हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए है मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बींग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, अटकी हुई हैं, किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, तो वो उस सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो लॉर्ड गणेशा हटाने वाले हैं और वो आपको अपना सपोर्ट दे रहे हैं और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं लॉर्ड गणेशा के आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। ओके, पहला है सेवन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी इल्यूजन वाले वर्ल्ड में जी रहे हो ना, मतलब आप ड्रीम्स तो आप बहुत सारे देख रहे हो लेकिन आप इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर रहे हो, ठीक है, लाइक प्लानिंग्स तो आपकी बहुत सारी हैं बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। या फिर आप बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो आपको फोकस है कि एक जगह अपना फोकस लगाने की, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, आपको 10 चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, ऐसी कोई एक चीज़ जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपको हैप्पीनेस देगी, ठीक है, आपको उस चीज़ के पीछे भागना है, ठीक है। और ये भी है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार है तो वो भी आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है, बस आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और देखते हैं। ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स। तो शायद अभी आप लोग बहुत अनसेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से कि आपको लाइफ जो है ना वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, या आपने जो प्लान कर रखा है अपनी लाइफ में उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, थीके? लेकिन शायद आप इतने ज़्यादा पेसिमिस्ट या बोल सकते कि नेगेटिव हो गए हो कि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस आ रही है ना आपको वो भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचने लग गए हो या चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करने लग गए हो किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो आपको ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की, ठीक है, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनने की। जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, जो पर्सन आपके लिए एफर्ट लगा रहा है या लगा रही है, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की, या जो चीज़ आपको लाइफ में एक्चुअली में चाहिए, जो हैप्पीनेस दे रही है, वहाँ अपना ध्यान डाइवर्ट करने की, ना कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में रोने की। और देखते हैं गाइस, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वी हैव फाइव ऑफ सोड्स। तो मे बी शायद ऐसा हुआ है कि रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो काफ़ी डिसेप्टिव था, या उसने आपके फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यू की कदर नहीं करी, ठीक है, या आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोग थे जहाँ पे जो काफ़ी डिसेप्टिव थे, जिन्होंने मे बी आपको साइड में करके खुद आगे बढ़ गए हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको ज़रूरत है ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहने की जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप आज भी ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों को पहचानना है अपनी लाइफ में और अपने आप को इस तरह के नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रखना है, जो कि अपना फ़ायदा निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। और आपको नहीं करना है, जो गणेश जी है ना वो खुद ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकालने वाले हैं। चलिए और देखते हैं। वी हैव द सन, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे वर्क कर लोगे तो आपकी लाइफ में बिल्कुल ही द सन वाली हैप्पीनेस आएगी, आपको जो लाइफ में चाहिए ना आप वो अचीव करोगे। आपको ज़रूरत है थोड़ी सी लाइफ के नज़रिए को चेंज करने की, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनने की, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करने की, थोड़े से अपनी चॉइसेस को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये द सन वाली हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है गाइज आपकी लाइफ में।
ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी आपको किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से इंतज़ार है, या किसी पार्टनर का आपको बहुत वक्त से इंतज़ार है, मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, फिर आपको किसी ऐसे करियर का वेट है जो कि आपके जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर आपको जाना है, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाली है, आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो तो ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत ही जल्द। सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो दिल से, जो आप दुआ मांग रहे हो ना, वो डेफिनेटली अब बहुत जल्दी पूरे होने वाली है, आप बस मैनिफेस्ट करते रहिए। चलिए और देखते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, तो डेफिनेटली डेस्टिनी अब आपके साथ है। ये जो होता है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग, तो आपका डिवाइन टाइमिंग अब आने ही वाला है, ठीक है आपकी। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ छोड़ दो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, जब आपका राइट टाइम आएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। और डेस्टिनी बिल्कुल आपके साथ है, फॉर्चून आपके साथ है, डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो डेफिनेटली आप बस आपको लाइफ में जो चीज़ इम्प्रूव करनी है ना, आप उस पर फोकस करिए। चलिए और देखते हैं। फॉरगिवनेस, तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपको हर्ट करा है, ठीक है, या आपने किसी को हर्ट करा है तो आप भी उनसे माफ़ी मांग लो, ठीक है। बस ज़रूरत है फॉरगिव करने की खुद को, या आपके पार्टनर को, या ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट करा है, या ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने इनका आपको बहुत वक्त से वेट है। देन वी हैव डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, तो आपकी एनर्जी जो है इस वक्त काफ़ी लो हो रखी है, ठीक है, जैसे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा डल हो चुके हो, आपका कहीं ध्यान नहीं लगता है, ऐसा भी है, ठीक है, आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप किसी पर्सन को चेज़ कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको लाइफ कितनी ब्यूटिफुल है, जो चीज़ें आपके पास है उसको लेके आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा गॉड को, तभी वो आपकी लाइफ में नई चीज़ों के लिए जगह बनाएंगे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, सी आई थिंक आप और आपके पर्सन दोनों ही लो एनर्जीज में हो इस वक्त, तो आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे को फॉरगिव करने की, जो भी पास में हुआ उसे भूल के लाइफ में आगे बढ़ने की, ठीक है, अपने आप को हील करने की, आप दोनों को इस जो नेगेटिव जोन है ना इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आपको ऐसे बनना है, एकदम शाइन करना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको अपनी इनर पॉजिटिविटी को बाहर निकाल के लाना है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी विशेस जो है ना वो पूरी करेंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस तरह से रहना है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव द यंसी, द डिवाइन फेमिनिन पार्ट, आई थिंक डिवाइन फेमिनिन जो है ना जो सुन रही हैं, डेफिनेटली यू शुड हील योर सेल्फ, ठीक है, आप अपनी वर्थ पहचानो, आप अपनी ब्यूटी, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू पहचानो, किसी को चेज मत करो, किसी के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने गोल्स के पीछे भागो, अपनी ब्यूटी, अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ, इसके पीछे भागो, अगर भागना है तो अपनी अबंडेंस को चेज करो। ट्रेजर आइलैंड, तब आपको ये मिलेगा ट्रेजर, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे पार्टनर हो गया, चाहे करियर हो गई, चाहे जॉब, एनीथिंग, चाहे गुड हेल्थ है, ठीक है, ट्रेजर आइलैंड आपकी लाइफ में, ट्रेजर, ये ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो है ना ये आ रहा है गाइज, आपको ज़रूरत है तो अपनी लाइफ के थोड़े से पर्सपेक्टिव को चेंज करने की, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनने की। और देखते हैं। पैराडाइज, सी आपकी लाइफ किसी हेवन से कम नहीं होगी फिर, क्योंकि आप बिल्कुल लाइक यू विल फील हेवन ऑन अर्थ, पैराडाइज हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आप अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस ले आते हो तो, और आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आ रही है। ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन के ऊपर, आपको ट्रस्ट रखना है लॉर्ड गणेश के ऊपर कि वो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है, आपको वेट करना है उस डिवाइन टाइमिंग का। प्रॉस्पेरिटी, इसी प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे।
ओके, वी हैव डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. तो अभी आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो ना, आपको उसी से बाहर निकलना है और सच को फेस करना है. ठीक है, सच को जैसा सच है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है. ठीक है, अपने हिसाब से उसको दिमाग में इल्यूजन्स नहीं बनाने हैं. ठीक है, जो रियलिटी है सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, और आगे आप क्या चेंज कर सकते हो ना उस पर फोकस करो, ना कि आप पास्ट में जियो. देन वी हैव लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स. तो आपको ज़रूरत है रिलैक्स करने की. अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हो, डिस्टॉर्टेड हो, तो रिलैक्स करो. ठीक है, लाइफ में गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखो. देन वी हैव गेट द बिगर पिक्चर. तो अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हो, छोटी बातों को लेके आप अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हो, या फिर टेंशन में आ जाते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को आप ख़राब कर रहे हो स्मॉल स्मॉल थिंग्स की वजह, तो आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा. आपको फोकस करना है बिगर पिक्चर पे, कि आपके लिए ऑन अ हायर लेवल, ऑन अ हायर नोट, और इन फ्यूचर क्या इम्पोर्टेंट है. यहाँ से देखते हैं. पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. वाओ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो डेफिनेटली आपकी प्रॉस्पेरिटी का जो पीरियड है ना, वो स्टार्ट होने वाला है. देन वी हैव लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम. सी, या रिलैक्स का कार्ड था, या आपको लाइट हार्ट केयर फ्री टाइम का कार्ड आया. ठीक है, तो आपको ना एकदम केयर फ्री, लाइट हार्टेड, एकदम मज़े वाली लाइफ जीनी है और मैनिफेस्ट करना है. देन वी हैव पे अटेंशन टू योर वर्क. सी, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क. कोई आप पे अटेंशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, वो सब जाए भाड़ में. आपको अपने काम पे ध्यान देना है, जो भी आप वर्क करते हो. देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. तो अगर आप कन्फ्यूजन में हो कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो. बस थोड़े से चेंजेस ले आओ एंड देन सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में. ठीक है, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.